और ये देखें पुरानजीत कैसे रखे हुए हैं, वो ही सेम पुराने दौर की ना जिस तरह हुआ करते थे ना, वो ही है माशाल्लाह। और इसकी ये मीनारें देखें, मीनार माशाल्लाह, पिलर इसको कहते हैं ना वो। और ये जगह है माशाल्लाह इमाम साहब की। और अभी मगरब में थोड़ा टाइम ही बाकी रहता है, 19 मिनट रहते हैं पूरे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तो वैसे ठीक है, दुबई से मैं हूँ मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे व्यूअर ठीक होंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। व्यूअर सुबह सुबह का टाइम, सूरज अभी अभी से निकला है और हालांकि अभी तक नीचे ही है, ऊपर अभी आ रहा है। तो और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी जा रहा हूँ बकाले पे, यानी कि दुकान पे, वहाँ से लेके आऊँगा बिल्लियों के लिए दूध, क्योंकि दूध ख़त्म हुआ पड़ा है। और बिल्ली को भी बार मैंने रात को ना वाश भी किया है, इनको नहलाया शैम्पू के साथ, जो बाहर से मैं लेके आया ना उन दोनों को। अब चलते हैं देखते हैं कि अल्लाह करे अभी दुकान ओपन हो, क्लोज ना हो इस वक्त, क्योंकि सुबह का टाइम है। चल के देखते हैं। देखें अभी रोड खाली पड़े हुए हैं, इस साइड पर भी देखें और ये साइड पर भी देखें, और मार्केट भी अभी तक बंद है। और व्यूअर वो लड़के मैच खेलने जा रहे हैं वर्दी पा के, देखें वर्दी के साथ गाड़ी में सामान उन्होंने अपने रखा, और दुकान भी बंद है व्यूअर। ये देखें बकाला अभी तक बंद है। और माशाल्लाह यूएई में आप व्यूअर ये चेक करके कितना अमन है माशाल्लाह। ये देखें दुकान के बाहर ना शापर में सामान लटके हुए हैं, कि इतना अमन है, अल्लाह का फजल है यहाँ पे माशाल्लाह, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इनके अंदर सामान है व्यूअर शापर के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे इतना अल्लाह का फजल है, अमन है, कि कोई भी इनको उतार के नहीं ले जा सकता। और मैं अभी जा रहा हूँ, वो देखो वो बिल्ली का बच्चा है, माए बच्चों का जो माँ है ना अकेला घूम रहा है, मैंने कहा चक्कर लगाऊँ शायद एक आध बच्चा और मिल जाए, लेकिन लगता है अभी जो और बच्चे इनके हैं वो यहाँ नहीं है। बस वो दो जो मिले हैं ना, एक तो मैं कल लेके गया था एक पहले, वही दो हैं, बाकी इनके जो बच्चे हैं लगता है वो मर गए हैं, कहीं कोई लेके गया है, कुछ पता नहीं। और दुकान तो नहीं खुला अभी तक, मैं वापस आ गया हूँ, देखेंगे फिर बाद में। हाँ हेलो, वो जो दो नए हैं ना वो अभी तक अंदर ही हैं रूम के अंदर, उनको मैंने बाहर नहीं छोड़ा, थोड़ा सा निकाला मैंने उनको बाहर, फिर मैंने उनको अंदर ही रखा हुआ है। ये शैतान है, ये बहुत ही तेज है। ये देखें एक ये, हाँ मैं क्या करूँ, दुकान बंद था, मैं दूध लेने गया, मैं क्या करूँ। ये दूसरा ये है जो रात में लेके आया था ना, हाँ हाँ मैं क्या करूँ, दुकान बंद था, मैं क्या करूँ। ये अभी तक शरीफ है। और ये है ना, ये यहाँ का इसने ट्रेनिंग ले ली है। ये हैं बहन भाई या बहन बहन या भाई भाई, ये दोनों एक ही माँ के गोद से जमे हुए हैं। और अब्दुर्रहमान माशाल्लाह जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, समझो कि इंशाल्लाह सिलेक्ट, अब्दुर्रहमान वापस ना आना सिलेक्ट हो जाना है। और पीछे अनवर साहब, ये अनवर साहब आए अब्दुर्रहमान को पिक करने, और इस वक्त हम जा रहे हैं नाश्ता करने, और ऑन रोड हो चुके हैं। गाड़ी जो है ना आज पुरानी गाड़ी है, अब्दुर्रहमान उसको ड्राइव कर रहा है। अब्दुर्रहमान जी, इंशाल्लाह सिलेक्ट हो जाओगे ना? 100%। हाँ ठीक है, पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह अल वफा होटल। और ये अनवर अब्दुर्रहमान एंटर हो गए हैं, देखते हैं आज हमारे नसीब में क्या है नाश्ते में। अस्सलामुअलैकुम, पर बैठ गए थले पे माशाल्लाह, देखें और ये टोकरा लग चुका है, और उधर भी लोग काफ़ी सारे बैठे हुए हैं माशाल्लाह, काफ़ी सारा रश लगा हुआ है। और हमने ऑर्डर दिया हुआ है व्यूअर नाश्ते का, हमारा नाश्ता आने ही वाला है। आ गया व्यूअर, हमारा ऑर्डर आ गया, हमने मंगवाया है ओजरी और साथ में सादा पराठा, अगर आपने भी खाना है तो आ जाए व्यूअर। ओह हो हो, गर्म गर्म पराठा, ओजरी का मैं शौक होगा व्यूअर खाने का, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने नहीं खाया था। बिस्मिल्लाह, अगर ओह हो हो, जबरदस्त माशाल्लाह। नाश्ता करने के बाद हम पहुंच गए हैं अपने वही जगह पे, हीरा आए, हीरा की चाय ना लगे जितनी है, और हम क्योंकि हाफ मंदिर तक आ चुके थे, हमने कहा फिर हीरा की चाय तो लाजमी ही पिएंगे। ये आगे व्यूअर मेरे चाय, अस्सलाम वालेकुम। और जनाब क्या हाल है, खैरियत, जुमा मुबारक,
आज जुमे का दिन है व्यवहार, और जुमे की तैयारी भी करना है हमने व्यवहार। अगर आपने भी चाय पीना है तो आ जाएं, वेलकम, नहीं तो हम खुद बिस्मिल्ला कर रहे हैं। बिस्मिल्ला दरवाजा जाना जबरदस्त। और ये जा रहा अनवर भाई, ठीक है, मेहरबानी, थैंक यू, ओके, हाफिज, बाय बाय, जाएं 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 जाएं, जल्दी जाएं, लेट हो रहा तुम्हें, बस अभी वापस नहीं आना, वहाँ पे सिलेक्ट होना है इंशाल्लाह। व्यूअर लग रहा है इसका काम बन जाए यार, तीसरा महीना चल रहा है, अब्दुलरहमान फारक बैठा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया और हीरे की चाय भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बस अब जुमे की तैयारी कर रहे हैं। अब मेरे नाश्ते के बाद अब बारी है बिल्लियों की, उनको नाश्ता करवाना क्योंकि उनको भी भूख लगी हुई होगी। दूध मैं ले आऊँ बकाले से। और ये देखें व्यूअर, ये पी रहे हैं माशाल्लाह। आज ना मैंने इनको बर्तन में दूध डाल के दिया, फीटर में नहीं दिया, लेकिन ये जो एक बैठा है ना, ये इसको देना है फीटर में, क्योंकि ये दोनों ट्रेन हो चुके हैं बर्तन में बिन में, लेकिन उसको उसके लिए फीटर तैयार करना होगा व्यूअर, क्योंकि उसको अभी इसका एक्सपीरियंस नहीं है व्यूअर। इन तीनों को मैंने दूध पिलाने के बाद ना पिंजरे में डाल दिया, ये तीनों अभी पिंजरे के अंदर बंद हैं क्योंकि ये आराम नहीं कर रहे थे यहाँ पे ना कमरे में। तो अगर देखो हर सामान अपने जगह से हिला हुआ है, इनको मैंने सेटिंग करना है और रूम की सफाई करना है, कपड़े भी इस्तेमाल करना है, वॉशरूम की सफाई करना है, और आज को पता है जुमे का दिन है और जुमे की तैयारी भी करना है। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फाइनली अभी वाला अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होके जुमे नमाज के लिए निकल पड़े हैं, और टाइम हो रहा है 1:04, बस यहीं पे खड़े करते हैं, लेकिन गाड़ी का रुख चेंज करके। और ये बंगाली का मामू का साइकिल खड़ा है, और वो बंगाली हार्डवेयर का कैमरी गाड़ी खड़ी है, ये अब्दुल कबीर का, और वो हार्डवेयर बंगाली हार्डवेयर वाले बंगाली का कैमरी, और हवा चल रही है, अच्छा हो गया व्यूअर अल्हम्दुलिल्लाह कि गाड़ी को यहाँ जगह मिल गई, नहीं तो गर्मी में और भी गर्म हो जाता, वैसे भी ऑलरेडी गर्म है क्योंकि धूप पे खड़ी हुई थी रूम के बाहर। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जुमा पढ़ लिया, जुमा मुबारक आप सबको मेरे तरफ से, और मैं आखिर में बतिया व्यूअर सब चले गए हैं, देखो मेरी गाड़ी वो खड़ी है दरख्त के पेड़ के नीचे, मैं इसके लिए खड़ गया यकूब के लिए, हाँ यकूब आ जाए यार आ जाए, कहाँ घूमो आप व्यूअर, ये ट्रेन हो गए हैं माशाल्लाह, ट्रेन हो गए हो ना, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो, खैर से हैं, क्या ले आओ मेरे लिए, खाना ले के मेरा है ना, दे बिस्मिल्लाह पकड़े पकड़े हाँ अफजल क्या हाल है, ठीक है अफजल ने ना इसको ट्रेन कर दिया, बस अब रेडी हो ना, हाँ ठीक है फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, ओके अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह खाना आ गया और जल्दी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि टाइम पे आ गया, वैसे ओवरऑल तो लेट ही आता है जुम्मे वाला दिन, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे आ गया और खाने में आ चुका है व्यूअर चावल, इसके साथ था फिश जो कि मैंने बिल्ली को डाल दिया, थोड़ा सा इनको और थोड़ा जो बाहर बिल्लियाँ उनको डाल दिया, और साथ में है यखनी, वाह माशाल्लाह, इसे यखनी कहें या सूप कहें, देसी चिकन का माशाल्लाह व्यूअर, अगर आपने भी खाना है तो आ जाए, मैंने तो मैं खुद बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, मुँह में पानी आ रहा है बिस्मिल्लाह, होय होय ज़बरदस्त व्यूअर माशाल्लाह। व्यूअर इस वक्त मैं आया हुआ हूँ एक ऐसी मस्जिद में जो कि पुराने डिज़ाइन का बना हुआ है, देखें ये इसका वाशरूम का एरिया, बाथरूम का, वजू करने की जगह, ये देखें छत देखें लकड़ की खजूर की हैं, इसमें सब लकड़ी इस्तेमाल किया हुआ है, और लालटीन लालटीन ये देखो लालटीन जल रहे हैं ज़बरदस्त। हाँ यासीन यासीन भी खड़ा है यार, ये हमारे गांव से है ना, ये यहाँ पे मुझे मिल गया, तो इनके आप दरवाज़ा चेक करें हैं, ये देखें सेम वही पुराने डिज़ाइन के, और ये चेक करें खिड़की विंडो हैं, वाह माशाल्लाह, और ये इसकी छत देखें, और आप इनका इसका ये पेंट है ना, पेंट नहीं है ये सीमेंट है, सीमेंट सेम उसी तरह है, जितना मट्टी का लेपा नहीं होता घरे का सेम वही है, यानी कि जितना कच्चे मकान होते हैं ना सेम वही है माशाल्लाह। और मैं आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ आपको, बिस्मिल्लाह ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त, छोटे सी मस्जिद है चार सफ़ों वाले, आप इनकी खिड़की चेक करें विंडो ना, ये देखें ये पुराने दौर के ना, ये घुमाने वाला देखो ये लॉक है इसका, और ये देखो यहाँ से यानी कि एग्जास्ट उन्होंने दिया हुआ है, और ये देखें पुराने जीत कैसे रखे हुए हैं, वही सेम पुराने दौर की ना जिस तरह हुआ करते थे ना वही है माशाल्लाह,
और इसकी ये मीनारे देखें, मीनार माशाल्लाह, पिलर इसको कहते हैं ना वो। और ये जगह है माशाल्लाह इमाम साहब की। और अभी मगरब में थोड़ा टाइम बाद बाकी रहता है, 19 मिनट रहते हैं, पूरे 7 पे मगरब है इंशाल्लाह। तो छत देखें माशाल्लाह, चलते हैं अब थोड़ा सा समंदर का व्यू करते हैं, वापस आके फिर नमाज भी पढ़ते हैं यहाँ। अब इसका लॉक देखें, ये देखें हाँ, ये लॉक हो गया, सेम वही डिज़ाइन का। तो देखें ये खुल गया, यानी कि और दूसरे कोई लॉक यानी कि कुंडी वगैरह वो सिस्टम नहीं है माशाल्लाह। मुझे तो बहुत पसंद है ये पुराने दौर के, और लालटेन जल रहे हैं देख रहे हैं व्यूअर। ये दौर तो ये दौर ये डिज़ाइन मुझे बहुत ही पसंद है। ये इसका मेन दरवाज़ा, यहाँ से इंटर होते हैं ना। और ये देखें ये वही ज़बरदस्त माशाल्लाह, मतलब थोड़ा सा राउंड मार के आ जाए समंदर के, तो वापसी पे आकर फिर मगरब भी पढ़ना है इंशाल्लाह, मगरब पढ़ते हैं। और ये इसका बाहर का वो है माशाल्लाह, देखें बाहर से इसका जो वन टू ऑल जो सिस्टम है ना, वही पुराने दौर की है माशाल्लाह, यानी कि वही नक्शे पे जिस तरह पुराने पुराने दौर के होते हैं ना। ये देखें माशाल्लाह, रोड क्रॉस कर लिया हमने, ये है वो वाक की जगह, ये साइकिल की है जो ब्लू लाइन है, और ये जगह जो है ये पैदल की है, वो सामने वो पैदल की है, वो यहाँ पे देखो वो पैदल जा रहे हैं लोग। और देखें सूरज बिल्कुल ग़ुरूब होने के करीब ही है माशाल्लाह। पहले तो ये जगह बिल्कुल रिवर सैंपल हुआ करता था, एक वक्त था हम यहाँ पर नहाते थे समंदर में, तो उस वक्त ये चीज़ नहीं थी, अब थोड़ा सा यानी इन्होंने VIP किस्म का बना दिया ये जगह को ना, थोड़ा सा अहमियत दे दी माशाल्लाह, जो कि अच्छी बात है। और काफ़ी यानी कि फैमिली वगैरह आए हुए हैं। और अजान हो गई, हम वापसी आ गए हैं ज़ेबरा क्रॉसिंग पे, अभी जो रेड है या ग्रीन होगा तब क्रॉस करेंगे, और वो है मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर, नमाज पढ़ ले, और अब जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, गाड़ी हमारी खड़ी है वहीं पे जहाँ पे हमने चाय पी थी ना कफ्तीरे पे, अपना क्या नाम है आपका यासिन, एक चाय और पी लेना, एक चाय भी और हम और पियेंगे, हमारा थोड़ा सा नियत ख़राब हो रहा है, एक चाय और लगाएंगे उसके बाद फिर जाएंगे अजमान रूम पे। व्यूअर हमने चाय ले ली पार्सल और ऑन रोड हो गए, क्योंकि हम बैठ नहीं गए थे कफ्तीरे के अंदर चाय पीने, अगर वहाँ पर गर्मी इतनी थी ना हम बैठ नहीं सके। और यासिन के साथ हमने किया मशवरा, हमने फिर वहीं पे यानी कि गाड़ी पे पीते हुए चलते हैं और सफ़र को भी स्टार्ट करते हैं। यासिन को ड्रॉप करना है अजमान व्यूअर, जिसने कहा मुझे भी अपने मेरे घर ड्रॉप कर देना, मैंने कहा चलो हम ताबेदार हैं गरीबों के। पहुंच गया व्यूअर खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह अजमान, यासिन को मैंने उतार दिया था उसके रूम के पास। व्यूअर रेहान की गाड़ी नहीं खड़ी कहीं पर, मुझे नज़र नहीं आई, मैंने कहा अगर रेहान की गाड़ी खड़ी तो उससे मुलाकात करते हैं, लेकिन उसकी गाड़ी नहीं खड़ी यहाँ पे, लगता है काम पे है मेरे ख्याल में, कोई डिलीवरी देने गया होगा शायद। ओह व्यूअर आज तो पार्किंग बिल्कुल खाली पड़ा है इस साइड पे ना, कल शायद फिर रश होएगा मेरे ख्याल में। तो उसके बाद ठीक है व्यूअर, आज की वीडियो फिर यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखियो, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।